जो पैटर्न है ना मतलब पैटर्न मतलब जो एक चैप्टर का एक पैटर्न होता है वो सेम है कि मतलब पहले वो बताएंगे की कौन से जमाने में कैसे पेंटिंग्स थी अः कैसे जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट किया फिर एक एक जो स्ट्रक्चर है वो एक एक स्ट्रक्चर को बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर ऐसा था वो स्ट्रक्चर ऐसा था फिर ये स्ट्रक्चर ये एम्पायर ने बिल्ड किया वो एम्पायर ने बिल्ड किया तो यही आपको ये जो पेंटिंग है आपका ये सब्जेक्ट है उसमें यही आपको याद रखना है ओके okay? सो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे बिफोर बिगनिंग दिस चैप्टर तो इसके कुछ ग्रोसरी वर्ड होते हैं तो वो पहले हम देखेंगे बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस हमें चैप्टर समझने के लिए तो इसमें ये जो ग्लॉसरी है इसमें है प्लास्टिसिटी तो इसका मतलब है सॉफ्टनेस टिलइड बेल्ट अंडर कटिंग कट्स इन डीपर लेयर्स इन दर काउंटर्स ओके जो नहीं आजकल जो ब्यूटी में मेकअप प्रोडक्ट्स में काउंटरिंग बोलते हैं वो काउंटर्स बाउंड्री लाइन सिस्ट ये जो है वन काइंड ऑफ अ स्टोन है uh, फिर क्लेफ्ट गैप होता है मेडिटेटिंग का मतलब वर्शिपिंग है मॉन्यूमेंटलिटी ह्यूजनेस फेल्ट इन स्पाइट ऑफ स्मॉलर स्केल फिर कैरेक्टराइजेशन क्रिएशन एंड कन्विंसिंग रिप्रेजेंटेशन पेनंस मतलब मेडिटेशन को ही पेनंस बोलते हैं ड्रेपरिज क्लोथ फैब्रिक सबल सटल डेलिकेट चैरियट टू व्हील्ड व्हीकल तो so, ये जो सब ग्लोसरी है ये आपको थोड़े से ये जो वर्ड्स है ओके okay? तो ये की वर्ड्स रहते हैं कोई भी पेंटिंग को आपको अगर डिस्क्राइब करना है उसको अच्छे से बताना है तो ये की वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए ओके okay? तो जब आप ये की वर्ड्स यूज करके कोई आंसर लिखोगे तो आपका आंसर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा सो लेट मी चेक भरत इज गौरवी माहिर निधि एंड आलिया ओके okay. So, uh, मुझे बस इतना कहना है जैसे कल मैंने चैप्टर समझाया था ओके तो आज भी बेसिक वही है uh, चैप्टर में तो मैं बस रीड करूंगी और आपको यही बताने वाली हो उसमें की uh, ये कब uh, मतलब इसकी निर्मित कब हुई थी कब इसका निर्माण हुआ था किसने ये निर्माण किया था तो वही है तो मैं बस पहले आपको चैप्टर का पैटर्न बताऊंगी तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं फिर ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं फिर से पेंटिंग दे रहे हैं और कल जैसे नहीं ये अर्जुना पेनेंस ओके okay? और गंगावतरना तो टाइटल मीडियम डेट तो कब फाइंड हुआ था साइट कौन सी थी वही फिर से डिस्क्राइब किया गया है फिर किसने बनाया कैसे बनाया तो ये जो सब चैप्टर है पेंटिंग के आपकी मोस्टली वही है फिर से एक बता रहे हैं देखो मैंने कल कृष्णा सपो सपोर्टिंग माउंट गोवर्धना तो इसमें यही है ठीक है तो इसमें वो बताएंगे कि अभी ये कहाँ पे मिला कैसे मिला ठीक है स्टोन का है कौन सा मीडियम का है डेट क्या है फिर से उसको इलाबरेट कर रहे हैं अभी ये जो है सूरा सुंदरी फ्रॉम कोनार कल देखो मैंने दो तीन वीडियोस भेजे थे आपको ग्रुप में ग्रुप में जो वीडियो है वो आपने देखे तो उसमें यही मतलब इसको कैसे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कितना सुंदर तरीके से बनाया था कितना अच्छी कारीगिरी की गई थी तो जो भी अभी ये पेंटिंग्स है ओके okay? अ स्कल्पचर्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं और वो कब बनाए थे वो ध्यान में रखने हैं सो वी विल जस्ट रीड इट ओके बिकॉज इसमें समझाने जैसा ऐसा कुछ नहीं है बस आपकी जो है देखो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो अगर मैं पेंटिंग आपको समझा रही हूँ तो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स है कोई भी आप स्कल्पर देख रहे हो कोई भी आप पेंटिंग देख रहे हो तो आप खुद उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कौन से पीरियड में उसे किसी ने बिल्ड किया था ओके okay. अः uh, पल्लावाज हो गए चंद्रगुप्ता हो गए क्या हो गए वो दो तीन चीज लोगों के आपको नाम याद रखने कब उसकी फाइंडिंग हुई थी वो आपको याद रखनी है और फिर उसको बस इलाबोरेट करना है कि तब तब ये मतलब मिला था और ऐसे बनाया गया था अभी ऐसे बनते हैं क्या जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उस हिसाब से आपको इसमें देना है सो यर द चैप्टर नेम इज हिस्ट्री एंड अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट फ्रॉम सेवेंथ एडी एना डॉमिनेट टू ट्वेल्थ एना डॉमिनेट ओके सो ये कौन सा पीरियड था दोस्ट पोस्ट पोस्ट गुप्ता पीरियड इन इंडिया ऑल्सो नोन फॉर प्रोग्रेस इन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मेजर डायनेस्टीज लाइक पल्लवास चोलास हो इन साउथ एंड पालास सेनास एंड गांगास इन द ईस्ट पैट्रोनाइज द प्रोग्रेस पैट्रोनाइज प्रोग्रेस मतलब क्या किया उन्होंने वो प्रोग्रेस उनकी लो कर दी ओके तो ये बोल रहे हैं कि जब गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड जब है तब क्या हुआ था टेम्पल आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स जो है वो बहुत ज्यादा फॉर्म में आ गए थे आ, कौन से डायनेस्टीज थे पलवाज चोलाज होसलाज इन साउथ ओके साउथ में ये थे एंड पाला इन ईस्ट पैट्रोनाइज द प्रोग्रेस तो उन्होंने क्या किया इनकी जो प्रोग्रेस है वो कम कर दी One second, I will let me mute everybody. तो ये जो भी description है देखो आ, हिस्ट्री ऐसा डिफिकल्ट नहीं है मतलब ये हिस्ट्री बता रहे हैं बट अगर आपको एक जो पीरियड है वो समझ में आ गया एक किसी का आप एक के साथ कनेक्ट हो गए तो उसके साथ कनेक्ट होके आप बोल सकते हो कि ये गुप्ता के पहले का था ये गुप्ता के बादवे का था ओके okay. सो so, यहाँ पे वो बोल रहे हैं इन द साउथ इन महाबलीपुरम एंड ममलापुरम वी सी पंचरथाज क्या देखते हैं हम पंचरथाज देखते हैं मंडपा देखते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो uh, एक मैं आप बताना चाहूंगी कि जैसे हमारा इंडिया है ओके okay? इंडिया का मैप ऐसे तो इंडिया जब इन्वेड हो रहा था इंडिया ऊपर से इन्वेड हो रहा था ना कश्मीर हो गया दिल्ली हो गया दिल्ली की सल्तनत हो गया तो मोस्टली जो पीछे का पार्ट जो है जो साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो इनमें जल्दी नहीं हुआ था क्योंकि यही पे जो सेना है उनको रोक लेती थी तो बहुत ज्यादा आज भी जो हमारा रिच आर्किटेक्चर है जो भी है वो आज भी जो जीवित है वो कहाँ पे है वो साउथ इंडिया में है तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये जो सब चीजें हैं इन साउथ महाबलीपुरम ममलापुरम आज भी जो साउथ के जो लोग होते हैं वो उनकी जो अः ट्रेडिशन है कल्चर है टेम्पल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे से उसको प्रिजर्व करके रखते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं पंचरथाज मंडप स्ट्रक्चर देखते हैं वाइल्ड पालावा Pallavas and their rivals, Western Chalukyans are remembered for the sculpture activities. Cholas and Hoslas would always be remembered for the temple project. So, तो ये बोल रहे हैं कि ये सब जो लोग हैं Pallavas, Cholas, Hoslas, वो हमेशा उनके जो temple के जो project है उसके लिए हम हमेशा उनको याद रखेंगे. Chola artist is excelled in technique of bronze casting and intricate metal uh, sculptures. ट रिदमिक बॉडी मूवमेंट्स तो वो बोल रहे हैं कि इस दौरान क्या हुआ था एकदम जो बॉडी का मूवमेंट बना रहे थे तो एकदम रिदमिकली बना रहे थे ओके तो दिखता नहीं है हम वो स्कल्पचर्स देखते कल भी मैंने भेजा था अभी भी हमने वो थोड़े से एक दो पिक्चर्स देखे तो वो जो बॉडी का रिदम कैसे था एकदम बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया है ओके सो तो ये जो है वो आर्टिस्ट की मास्टरी है तो इसलिए वो बोल रहे हो इंट्रिकेट मेटल स्कल्पचर्स तो आप देखोगे इसमें कुछ कुछ जो है मेटल का भी यूज किया जाता है बट एट द सेम टाइम चोला पीरियड हैज ऑल्सो गिवन सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ सदर्न इंडिया लाइक चलपुरम टेम्पल ब्रिहादेश्वर टेम्पल एंड अदर्स तो ये बोल रहे हैं कि ये जो दो टेम्पल्स है उसके नाम याद रखना अगर पूछा जाए तो कि इस दौरान क्या हुआ था साउथ इंडिया में ये दो नाम के टेम्पल्स जो है वो अच्छी तरीके से प्रकाशित हुए थे और बनाए गए थे दिस टेम्पल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर दर सिंपलिसिटी किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है सिंपलिसिटी है मोन्यूमेंटेलिटी मतलब वहां पे जो स्कल्पचर्स वगैरह बनाए गए हैं वो बहुत अच्छे से बनाए गए हैं एंड द मेजिस्टिक क्वालिटी तो आज भी देखो कल एक दो स्टूडेंट्स ने प्रेम मंदिर का एग्जाम्पल दिया था तो हम जाते हैं तो हमें क्या दिखता है कि कितना अच्छे से बिल्ड किया है क्या क्यों? मतलब सिंपल भी है उसमें मोन्यूमेंटल भी है उसकी क्वालिटी भी, भी बहुत अच्छी है टेम्पल में हम जाके ऑब्जर्व करते हैं तो वो यही बता रहे हैं नेक्स्ट इन द इम्पोर्टेंस ऑफ होसला एंड होसला आर्ट होसला स्टाइल वॉज मिक्स ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन एंड डिटेल स्टडी तो वो कैसा था इंट्रिकेट डिजाइन और डिटेल स्टडी इंट्रिकेट डिजाइन मतलब क्या होता है जैसे मैंने कल बनाया अभी सपोज अः uh, लाइक like, अभी किसी का फेस तो यहाँ पे दिख नहीं रहा मेरा ही फेस दिख रहा है तो सपोज अभी कोई मेरा स्कल्पचर बनाया तो दे आर मेकिंग माई नोज अगर वो मेरी आंखें भी है आंखों के नीचे मेरे डार्क सर्कल्स भी है तो वो डार्क सर्कल्स भी अच्छे से बनाएंगे आईब्रोज बनाएंगे ठीक है मैंने ये गले में ये ज्वेलरी पहनी है अभी ये ज्वेलरी नहीं है बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ज्वेलरी पहनी है तो ज्वेलरी का भी बहुत ज्यादा इंट्रीकेट वर्क करेंगे ठीक है इयर बनाए हैं वो सब तो इसे क्या बोलते हैं इंट्रीकेट वर्क मतलब बारीकी से काम करना और डिटेल स्टडी मतलब जैसे अभी मैंने डार्क सर्कल्स बनाए मेरे फिर मेरे नॉस्ट्रिल्स है अगर सपोज आ, कोई कोई जो लेडीज है उनको थोड़ी सी मुस्तैज भी आती है और वो आर्टिस्ट ने वो भी निकाला कि मतलब थोड़ी थोड़ी सी मुस्तैज भी आई है ओके यहाँ से भी उनको बाल थे तो इसे क्या बोलते हैं कोई जो डिटेल स्टडी किसी

ओके okay, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तब बहुत ज्यादा किंग्स के वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है उसको शेप दिया गया था स्पेशलिटी ऑफ होसला पीरियड टेम्पल्स आर प्रेजेंस आर द प्रेजेंस ऑफ टेम्पल्स कल्पचर्स एज पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर ओके तो जो प्रेजेंस स्कल्पचर्स का वो पार्ट है आर्किटेक्चर का दे फॉर्म an important part of architecture in eastern part of country some of the temples project were taken by uh, ganga rulers like uh, mukteshwar temple lingaraja temple rajarani temple in orissa मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम चेन्नई भुवनेश्वर बंकुरा बेलूर हलीभी वेर बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम तो ये क्या बोल रहे हैं कि कौन से रूलर्स ने मतलब ये जो पीरियड था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर पीरियड था तो ईस्टर्न इंडिया में जो गंगा के रूलर्स थे तो उन्होंने क्या किया मोकटेश्वर लिंगराज राजा रानी टेम्पल ओरिसा का जो है फिर बाद में uh, और जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है इंडिया के वो है कांचीपुरम भुवनेश्वर बंकुरा बेलूर हलीबेद ये क्या कहते है हैं इस दौरान बिल्ड किए गए थे आर्टिस्ट बाय दिस टाइम हैड बिकम मोर एंड मोर प्रोफिशियंट इन द कार्विंग्स ऑफ अदर एंड अदर टेक्निक्स तो इस मतलब कमिंग टू दिस टाइम ऐसे होता है ना तो इस तब तक आने तक क्या हो गया जो आर्टिस्ट है, है निहारी थी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो ये जो पर्टिक्युलर टाइम है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड की कैसा था इंडिया का आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो अभी ये ऑब्जेक्टिव चैप्टर का क्या है आफ्टर स्टडिंग दिस chapter, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द आर्ट पीरियड हम डिस्क्राइब कर पाएंगे सेवेंथ टू ट्वेल्थ सेंचुरी A.D. Okay. ओके अभी we will see please प्लीज uh, जब भी मैं कोई ड्रॉइंग drawing नहीं सॉरी एक sculpture बताऊंगी तो please आप क्या कीजिए I will give you give everyone वन टेन टू ट्वेंटी to observe. Okay? ओके तो अभी observe कीजिए कि की ये जो sculptures है जिसके बीच में एक नागा का drawing है okay? दैट नागा हैज़ ए ह्यूमन हेड ओके ह्यूमन हेड है नीचे नागा है और नागा है ओके okay? यहाँ पे फिर ये जो एक योगी है यू कैन सी ये पेन कर रहा है तपस्या कर रहे हैं ओके अः फिर मे बी दिस इज विष्णु यस राइट नागा नागा आपको पता है uh, इंडिया में अः uh, जो बहुत से लोग होते है uh, अ वी ओके, इवन लाइक विष्णु के आप पीछे देखोगे शेषनाग है, है शिव है शिवजी के गले में आ, ये है व्हाट इज इज नेम उनके गले में भी नाग है उनके नाग का एक नाम है ओके okay? तो फिर Uh, हम जो लोग हैं, लाइक मोस्टली इन सनातन धर्मा ये जो नागाज है नागाज को वर्शिप किया जाता था नाग देव भी बोले जाते हैं आप महाभारत देख लो uh, महाभारत में भी तक्षक करके नाग था uh, महाराज जो परीक्षित है अः uh, नागा मीन्स uh, एक सरपंट होता है ही इज किंग ऑफ सरपंट कोबरा ओके बट दिस कोबरा पजेज ए लॉट ऑफ पावर्स ही इज डिवाइन डिवाइन रहता है वो कोबरा ओके सो यू यू कैन सी इट ऑल्सो हैज ह्यूमन हेड एंड इट हैज लाइक फाइव हेड्स ओके मोस्टली जो शेषनाग होते हैं उनके ऐसे बहुत सारे सर होते हैं ओके okay? तो उन्हें नागा कहते हैं तो आप अगर हिस्टोरिकली देखा जा देखा जाओगे तो महाभारत में तक्षक नाग का डिस्क्रिप्शन uh, है कि कैसे तक्षक नाग थे फिर जब परीक्षित महाराज थे परीक्षित महाराज को जब कर्ज दिया गया था कि ही विल बी डेड इन सेवन डेज तो तब भी उनको एक नाग आने वाले थे और वो उनको मतलब दसने वाले थे that नाग was going to take his life. तो ये जो सब है ये जो सब मॉन्यूमेंट्स है ये मॉन्यूमेंट्स तब समझ में आते हैं हमें जब हमें हमारे इंडिया के बारे में कुछ हिस्ट्री जान ली जाए बिकॉज uh, मोस्टली आप टेम्पल्स में देखोगे टेम्पल्स में नागा का डिस्क्रिप्शन होता है बहुत सारे नाग के ऐसे ड्रॉइंग्स होते हैं दे आर द प्रोटेक्टर्स ऐसे भी बोला जाता है कि means ऐसे एक वर्जन में कि आज भी जो पृथ्वी है वो नाग के फन के ऊपर है ऐसे लाइक देर आर लॉट ऑफ डेरिविएशन यू कैन कम अक्रॉस तो इसलिए क्या करते हैं हमारे जो लोग थे पहले जो मेडिटेट करते थे Uh, आ, आज भी बोला जाता है कि लाइक वी ऑल हैव अ कुंडली एनर्जी कुंडली एनर्जी मतलब हमारे स्पाइन में एक स्नेक टाइप ऐसी एक एनर्जी होती है वंस इट इट इज तो ये जो भी लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो उनका उद्देश्य मोस्टली मतलब बहुत लोगों का होता है कि उनकी कुंडली जो एनर्जी स्नेक जो एनर्जी जो रहती है उनके अंदर वो अः uh, अवेकन कर पाए देर फोर ये क्या करते हैं वर्शिप कर पाते हैं एलिफेंट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है Uh, हमारे इसमें अः uh, आप ऐरावत करके एक, एक एलिफेंट है वो इंद्र देवता के जो एलिफेंट है ही इज वेरी ऑस्पिशियस और बहुत सारे ऐसी स्टोरीज भी है कि एक जो एलिफेंट था जो उसका जो पैर है क्रोकोडाइल के पाओ में फंस गया था फिर जो लॉर्ड विष्णु आए थे लॉर्ड विष्णु उन्हें रेस्क्यू करने आए थे वो एलिफेंट को फिर ऐसी स्टोरीज है कि वो पिछले जन्म में वो जो एलिफेंट था वो राजा था तो ये जो सकप, सब स्कल्पचर्स है ना ये आपको कब समझ में आएंगे जब आपको इसकी पीछे स्टोरी पता होगी ओके और फिर ही आप उसे एक्सप्लेन भी कर पाओगे और थोड़ा सा उसके साथ रिलेट कर पाओगे ना तो आपको लगेगा कि ये क्या उन्होंने टेम्पल के ऊपर क्या बना दिया समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा ये हिस्ट्री भी जानना जरूरी है कि हमारे जो लोग हैं जो वर्शिप करते हैं महाभारत पढ़ते हैं सनातन धर्म में ये ऐसे टेम्पल्स है तो इसकी हिस्ट्री क्या है फिर ये आपको क्या करते आएंगे उसको एक्सप्लेन करते आएंगे और समझ में आएगा कि ये क्यों इसकी सब कारागिरी क्यों की गई है ओके okay? तो नहीं तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या है यहाँ पे बीच में से ये आधा मीन्स हमने तो कभी देखा नहीं है आधा नाग है और आधा मतलब उस मतलब नहीं आधा ह्यूमन है और आधा सांप है ओके okay. तो आप इसमें देखोगे और एक इसमें है नहीं जूम करके यहाँ पे देखो ये जो सब ऐसे है दे आर डूइंग समथिंग कोई ब्लेसिंग कर रहा है कुछ कर रहा है पेनेंस कर रहा है ये योगी है हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया होगा ओके okay? तो ये चैप्टर में हम सीखेंगे आ, हम आर्ट ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे आर्ट ऑब्जेक्ट्स और पीरियड में मेन आर्ट और पीरियड में हम मेन कैरेक्टरिस्टिक उनके जान पाएंगे आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग नेम ऑफ एनलिस्टेड ऑब्जेक्ट्स हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको नेम कर पाएंगे तो ये जो आ, ये है अर्जुनस पेन और गंगावतरना तो ये जो है अर्जुन का पेनेंस है ओके तो एक बस मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे बैकग्राउंड बताने चाहूंगी कि जो भी आज तक जो भी योगी होते हैं या फिर जो क्षत्रिय भी होते हैं आपको मुझे पता है नहीं आपको स्टोरीज पता है नहीं इवन कोई अभी सपोज रावण है बोलते हैं रावण ने भी बहुत पेनेंस किया था पेनेंस का क्या मतलब होता है मेडिटेशन करना और इतना पेनेंस करना कि भगवान को प्रसन्न करना भगवान को प्रसन्न करके उनसे कुछ वर हासिल करना तो उसे बोलते हैं पेनेंस करना ओके तो ये बोल रहे हैं कि अर्जुन का पेनेंस है तो यहाँ पे मे बी ये अर्जुन ही है जिसको पेनेंस करते हुए बताया है कोई कोई एक टांग के ऊपर खड़े होकर पेनेंस करता है हिरन ने कशो में हिरानाक्ष ने वैसा किया था तो हम देखते हैं इनका पेनेंस कैसा था तो यहाँ पे ये मीडियम है स्टोन का है कब बनाया था ये पल्लवा पीरियड में सेवेंथ सेंचुरी में बनाया था फाइंडिंग साइट है ममालापुरम चेन्नई की ओके साइज इसका है नाइंटी वन फीट बाय वन फिफ्टी टू फीट अप्रोक्सीमेटली मतलब ये इतना बड़ा है ओके तो इसका जनरल डिस्क्रिप्शन है द मॉन्यूमेंट्स ऑफ पल्लवास कंसिस्ट ऑफ केव टेम्पल्स स्ट्रक्चरल टेम्पल्स प्लस फ्यू मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स तो ये क्या यहाँ पे आपको बस पेंटिंग में मैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बट इसमें आपको बस इतना लिखना है कि क्या है इसमें केव टेम्पल्स है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स है ओके okay? और इसमें कैसे है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है तो वन ऑफ द मोस्ट कल्चरल वर्क ऑफ दिस पीरियड इज इज फ्रॉम ममलापुरम तो कहाँ पे है इसका जो कल्चरल वर्क कहा मतलब कौन से पीरियड से है वो ममलापुरम तो ये जो थोड़े से की वर्ड है आप ध्यान में रखना द रिलीफ इज ऑन टू ह्यूज बोल्डर्स द स्कल्पचर इज अन बट वेरी डिस्टिंक्ट एंड स्पॉन्टेनियस इन रिप्रेजेंटेशन तो वो बोल रहे हैं कि स्कल्पचर अनइवन है तो आप हमें इस स्कल्पचर को देखेंगे तो स्कल्पर इवन नहीं है नहीं कहीं पे ऊपर है कहीं पे अंदर है ऐसा इवन नहीं है उसको इवन बेस नहीं है बट वो बोल रहे हैं इसमें जो रिप्रेजेंटेशन किया है सब चीजों का वो बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस है डिस्टिंक्ट है ओके okay? देर इज अ फ्लो इन होल कंपोजिशन एक फ्लो है हमें समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा कंपोजिशन बनाया गया है एक वो स्टोरी बता रहा है देर इज अ क्राउड लाइफ साइज ह्यूमन साइज ह्यूमन एनिमल फिगर्स है इसमें दे इंक्लूड गॉड्स डेमी गॉड्स सेजेस ऑल इन फ्लाइंग पोजिशन तो कैसी उनकी पोजिशन है सबकी जो पोजिशन है फ्लाइंग है वी हैव टू फाइंड दैट आउट माइ डीयर ओके वी विल फाइंड दट आउट ओके वी विल सी वेर दे आर मैं ओके okay, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इसमें ये जो अः ये, ये है उसमें वो बता रहे हैं कि गॉड्स है डेमी गॉड्स है सेजेस है और ये सब कैसे है? ये फ्लाइंग पोजिशन में हमें कोई ऐसी सिटिंग पोजिशन में एकदम से दिख नहीं रहा दे आर ऑल इन फ्लाइंग पोजिशन ओके यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये सब फ्लाइंग पोजिशन में है देर इज अ क्लेफ्ट इन बिट्वीन टू बॉर्डर ओके बीच में एक क्लेफ्ट है ओके okay? हम देख रहे हैं ऑल द फिगर्स आर शोन फेसिंग द क्लेफ्ट ओके सो लेट सी कैसे है ये जो फिगर्स है ये सब क्या कर रहे है ये जो बीच में जो का जो क्लेफ्ट है इसे फेस कर रहे वेटे बेट अवेलेबल यूज डिफरेंट मार्क तो ये क्लेफ्ट है इसे सब फेस कर रहे सी एवरीबडी का फेस यही पे जा रहा है कैन यू सी फेस ऐसा जा रहा है इसका भी जो फेस है एलिफेंट का भी यहाँ पे बोल रहा है ओके okay, तो ऐसे आपको इससे थोड़ा सा ऐसे इलाबरेट करते आना चाहिए अः दो देर आर अ लॉट ऑफ मुंट्स एंड एनर्जी इन अपर पार्ट ऑफ द रिलीफ इन लोअर पार्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑन द लाइफ शोन काम्स डाउन तो पहले जो वो बोल रहे हैं कि अपर पार्ट जो है ओके ऑफ रिलीफ द लोअर पार्ट ऑफ कंपोजिशन द लाइफ शोन ऑल में ऑलमोस्ट काम्स डाउन तो लोअर पार्ट में क्या होता है थोड़ा सा काम हो जा रहा है ऊपर के पार्ट में देखो थोड़ा सा ज्यादा पेनेंस पेनेंस हो रहा है और नीचे नीचे तक आने तक ये जो पेनेंस है ये थोड़ा सा काम हो जा रहा है वो ऐसे बता रहे हैं ओके okay? The aesthetic figures in the crowd have been shown in meditating posture. Okay, तो कुछ कोई जो posture है उसमें meditate करते हो बता रहे। The name of relief according to some scholars is Gangavatarna, अ uh, where Shiva has been shown receiving the flow of Gangs in her uh, in his hair. तो यहाँ पे ये Arjuna's penance और इसको mostly इसको दो नाम दिए गए हैं। देखो निधि। uh, They have given it two names, Arjuna's penance. और लिया लिखा गया है पे और गंगावतरना तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन दे mm. है है, रहे है कि शिवजी जो है शिवजी का यहाँ पे बता रहे हैं कि शिवजी शोन रिसीविंग द फ्लो ऑफ गैंग्स इन हिज हेयर टू द राइट क्लेफ्ट फोर आर्म फिगर लार्जर देन रेस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड एज शिवा बाय द ट्रीडेंट ओवर हिज शोल्डर्स एंड द ग्रुप फॉलोअर्स अदर थिंग दैट इट इट शुड बी नोन एज अर्जुन तो कुछ देखो दो डे आए है कुछ को क्या लग रहा है कुछ को लग रहा है कि ये शिवा जो है शिवा ट्रीडेंट लेके खड़े है सो लेट्स दिस सो लेट्स हम हमारे इस पे आते हैं कि हमें क्या लगता है कि यहाँ पे शिव जी हमें दिख रहे हैं अः गंगा का जब उन्हें उनके गंगा मतलब उनकी यहां से गंगा नदी बह रही थी क्या फिर हमें अर्जुन दिख रहे टेल मी यहाँ पे देखो योगेश तो मेडिटेटिंग करते हुए दिख रहे हैं ट्रिडेंट कहाँ पे दिख रहा है शिव जी का त्रिशूल दिख रहा है किसी को को ट्रेड दिख रहा है शिव जी का ओके okay. सी मोर दे हैव टू से तो ये यह, पे बता रहे हैं कि ये जो स्कल्पचर uh, है उसके दो डेरविएशन है उसमें पहले बता रहे हैं कि एक तो uh, शिवा जो है इट इज आइडेंटिफाइड एज शिवा ट्रीडेंट ओवर हिज शोल्डर एंड ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स तो उनके शोल्डर के ऊपर ट्रीडेंट ऐसे बोल रहे हैं और कुछ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स uh, उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो मैं शिव जी को यहाँ पे प्लीज आई एम सो सॉरी टू से दिस बट uh, मैं यहाँ पे शिव जी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ अगर कोई शिवजी को आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो प्लीज मुझे बताइए Maybe... यहाँ पे ये तो नागा है मीन शिवजी का तो ऐसा नहीं मे बी दिस इज शिवजी उनके शोल्डर पे कहीं पे ट्रेडेंट होगा ओके okay, त्रिशूल होगा और फिर उनके आजू बाजू में जो सब योगीज है ऐसे होगा ओके okay? इतनी क्लियर नहीं है मतलब इसमें पिक्चर इतना क्लियर नहीं है और कुछ का कहना ऐसा है कि ये जो है अर्जुन, जो है अर्जुन का है, Arjun, तो इसमें एक उनको लगता है कि वो अर्जुन हैज बीन शोन एट वन एंड इन द पोस्र ऑफ द मेडिटेशन तो एक एंड पे वो बता रहे दिस डिस्टिंक डिस्टिंक्टली पलवा पीरियड वर्क तो ये पलावा पीरियड का वर्क है देर इज

फिगर हैव सॉफ्टीटमेंट एंड राउंडनेस दिस हैज बीन रिकार्डेड फॉर एजेस एज वन ऑफ द मास्टर पीसेज ऑफ इंडियंस कल्चर्स फ्रॉम साउथ पार्ट ऑफ कंट्री तो ये बोल रहे हैं कि वन ऑफ द मास्टर पीसे जाना जाता है फ्रॉम साउथ सदर्न पार्ट ऑफ द इसमें क्योंकि इसमें नेचुरल है uh, मतलब वर्ल्ड डिपिक्ट दि, किया गया है मंकी फिगर्स है और थोड़ा ये जो पूरे फिगर है इसमें सॉफ्टनेस है ओके okay? तो ये देखे हो गए आप इसके जैसे लेग्स जो है वो स्कल्प किए गए हैं तो ये थोड़े से सॉफ्ट है यहाँ पे एलिफेंट एक बेबी एलिफेंट बताया गया है तो इसमें मतलब एक सॉफ्टनेस आ गई आई है इनकी कारागिरी में ओके फॉर नाउ आई थिंक इंस्टेड ऑफ हम यहाँ पे सर्च करने से कि शिव कहाँ पे है क्या कहाँ पे हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि uh, Uh, मतलब मेन हमारा मोटो क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी करने का कि ये स्कल्पचर कितना अच्छे से बनाया गया है हमें वो स्टेट करना है और कौन से डायनेस्टी में बनाया गया है वो हमें याद रखना है ओके ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है टेम्पल आर्किटेक्चर है और सदर्न पार्ट में इसे बहुत ज्यादा मास्टर पीस के जैसे जाना गया था क्योंकि इसकी राउंडनेस ट्रीटमेंट है और आर्टिस्ट जो है आर्टिस्ट बहुत ज्यादा नेचुरल जो भी वर्ल्ड है उसने वो जो है इसके ऊपर लाके दिखाया था okay now let's see this one the next figure is krishna supporting mount Govardhana. to so, aapko govardhan ki i hope story pata hai what happened do why you are saying sorry मुझे नहीं पता ओके दैट्स ऑल राइट ओके तो यहाँ पे देखे दो देखोगे कि कृष्णा सपोर्टिंग गोवर्धन तो आपको ये स्टोरी पता होगी कृष्णा मतलब उनके पूरे गांव पे ये आई थी किसने की थी अः इंद्रदेव ने पूरी बाढ़ लाई थी तो पूरे गांव वालों को बचाने के लिए कृष्ण जी ने क्या किया था अभी इन्होंने पूरा फिंगर बताया बट मुझे जो स्टोरी पता है कि उनके लिटिल फिंगर पे उन्होंने पूरा जो गोवर्धन है वो उठाया था और सब जो ब्रजवासी है उनको शेड दी थी ओके okay, तो यहाँ पे ये यह देखेंगे कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धना तो मीडियम यहाँ पे है स्टोन का डेट है हौसला पीरियड फाइंडिंग साइट है बेलूर साइज इसकी है तीन फीट आर्टिस्ट हमें पता नहीं तो हमें ये याद रखना है कि टेम्पलचर्स वेर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज ड्यूरिंग पीरियड पीरियड आर्किटेक्चर ऑफ दिस डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स विच फॉर्म इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर सी आपको इतना याद रखना है कि ये कब बनाया था ये हौसला पीरियड में बनाया गया था और मोस्टली अब तक क्या हो गया था बहुत से जो आर्टिस्ट है आर्किटेक्चर है वो उनका जो काम है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया था मतलब बहुत बारीक बन गया था द हो स्टाइल इज नेम्ड आफ्टर द फेमस डायनेस्टी ऑफ डेक्कन विच इमर्ज अराउंड मिडल ऑफ इलेवेंथ सेंचुरी एंड इज जनरली कंसिडर्ड टू हैव कम टू एंड एंड इन मिड फोर्टीन सेंचुरी तो कब बिगिन uh, किया था इलेवेंथ सेंचुरी ने बिगिन किया था और कब एंड हुई थी मिड फोर्टी सेंचुरी तक एंड हुई थी द कैपिटल ऑफ होसला किंग्स द्वारा समुद्र होसला स्टाइल इज यूनिक इन इट्स वे एंड इज हाईली कैरेक्टराइज तो वो बोल रहे है कि होसला स्टाइल उसके वे में यूनिक है द अर्लिएस्ट मेजर होसला टेम्पल आर बेलूर तो सबसे पहले के अर्लिएस्ट मेजर टेम्पल जो एक बेलूर है होसलस कल्चर शो डीप कार्विंग्स एंड अंडर कटिंग ओके तो डीप कार्विंग्स बताते हैं अंडर कटिंग बताते हैं तो ये आपको थोड़े से जो वर्ड्स है वो याद रखने हैं Uh, so, मतलब की है सॉफ्ट रिदम्स बॉडी काउंटर्स मतलब जैसे नहीं बॉडी के कितना अच्छे से कारागिर किए गए दिस इमेज कितना अच्छे से इंट्रिकेट वर्क किया गया है उसकी जो ज्वेलरी भी है कृष्णा की कितनी अच्छी सी बनाई गई है तो वही आपको इमेज ध्यान में रख के क्या करना है उसे और इलाबोरेट करना है ठीक है और उसमें हौसला पीरियड के दौरान किया गया है वो डाल देना है डीप एंड अंडर कटिंग इज फैसिलेटेड बाय सॉफ्ट स्टोन इट गिव्स रिच सरफेस टेक्सचर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रिकेट डिटेल्स इन तो क्या करता है वो रिच टेक्सचर देता है और एक इंट्रिकेट डिटेल्स इन जैसे जितनी डिटेलिंग की जाती है उतना जो है वो अच्छा दिखता है

तो हाँ ये देखिए तो बीच में क्या किया है उन्होंने कृष्ण को दिया है और ये आजू बाजू में जो है ये पूरे ब्रजवासी उन्होंने निकाले देखो ब्रजवासी है कैटल्स है ओके तो उन्होंने पूरा एक वे में बीच में कृष्ण को रखा है और बाजू में ब्रजवासी को रखा गया है तो ये बता रहे हैं तो ये इन्होंने इतना अच्छे से मतलब नहीं कोई भी स्टोरी बताने का ये जो आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं इतना अच्छे से नरेशन कर रहे हैं दो कृष्णा हैज बीन शोन इन हीरोइक फॉर्म स्टांस ऑफ एंड रिदमिक लिम्स ब्रिंग सॉफ्टनेस इन द होल कंपोजिशन तो जैसे वो कृष्णा को ऐसे उन्होंने खड़ा होते हुए बताया है उनका जो स्टांस है वो इतना सॉफ्ट बताया है तो ये जो पूरा होल कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है ओके वेरी इंटरेस्टिंग टू लाइवलीनेस ऑफ एनिमल फिगर्स तो इसमें जो है एनिमल्स भी बहुत ज्यादा लाइवली लग रहे हैं विथ हेवी ब्रेस्ट ऑफ ब्रेस्ट एंड बोटॉक्स इलाबरेट ज्वेलर ज्वेलरीज टिपिकल इंडियन हेयर स्टाइल दिस कंपोजिशन इज द एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिपिकन पीरियड स्टाइल वेट कारो मास्ट्री ऑफ आर्टिस्ट तो यह बता रहे कि ये की ये मास्टरी है होसला पीरियड की इनके दौरान क्या हुआ गया था इन्होने इतनी अच्छी सी कारिगर की, की थी कि वो जो है बहुत ज्यादा लाइव लग रहे थे ओके तुम इसको बुलग्स को भी देख लो बुलग्स भी बहुत ज्यादा लाइव लग रहे है अः uh, कृष्णा को जो भी बनाया है कृष्णा का भी जो चेस्ट एरिया है या फिर उसके हैंड्स है पूरा जो रिदमिक पोर्शन है वो बनाया है उनकी ज्वेलरी जो बनाई है इतनी ज्यादा इंट्रिकेट बनाई है ओके okay? तो ये कब हुआ था ये हौसला पीरियड के दौरान हुआ था उसमें आप बस एक जो टेंपल है बेलूर का टेंपल है वो आप उसको मेंशन कर दोगे और ये कितना रिदमिकली कितना अच्छे से बनाया था कितना सॉफ्ट बनाया था उसको इलाबरेट करके लिख दोगे अगर ये क्वेश्चन आया और फिर इसमें आप ये भी लिख दोगे कि फाइंडिंग uh, साइट है बेलूर डेट uh, है होसला पीरियड का मीडियम है स्टोन का ओके okay? और साइज है तीन फीट तो इसका थोड़ा सा इतना याद रख के इसे बस थोड़ा सा इलाबोरेट करते आ जाना चाहिए ओके okay? अभी नेक्स्ट हमारा एक स्कल्पचर है तो इसे प्लीज नोटिस कीजिए सूरा सुंदरी फ्रॉम कोनार ओके okay? तो ये जो है सूरा सुंदरी है कोनार्क से तो uh, अभी ये जो है मीडियम uh, इसका है स्टोन का है डायनेस्टी इसकी गंगा डायनेस्टी है ट्वेल्थ सेंचुरी एडी कहाँ पे फाइंडिंग साइट है कोनार्क ओरिस्सा कहाँ पे मिला है ओरिस्सा में साइज है लिटिल मोर देन लाइफ साइज ओके तो लिटिल मोर देन लाइफ साइज से मतलब बड़ा है मतलब थोड़ा सा ऐसे बोल सकते इन्होंने प्रॉपर साइज मेंशन नहीं की है तो ये जो सन टेंपल एट कोनार्क आप मतलब मैं इसका भी एक शॉर्ट वीडियो भेजूंगी सन टेम्पल एट कोनार कैसा है ओके okay, तो वन ऑफ द बेस्ट ग्रेट ओरिशियन आर्किटेक्चर वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्म देवावन तो किसने बिल्ड किया था किंग नरसिम्हा देवावन ऑफ गंगा डायनेस्टी इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नियर पुरी इन ओरिशा तो वो बोल रहे हैं ये जो सन टेम्पल है सन टेम्पल इज वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल एक कोनार्क में टेम्पल है मोस्टली उसकी बहुत ज्यादा वीडियोज भी अवेलेबल है यूट्यूब पे आपको देखने चाहिए इट इज वेरी ब्यूटिफुली क्राफ्टेड तो ये किसने बनाया था किंग देव ने बनाया था अः वन ओके अः जो किंग्स होते हैं उनके नाम सेम रहते हैं बस उसको वन या टू आपको ऐड करना होता है ओके okay? जैसे अभी ये जो किंग क्वीन ब्रिटेन की क्वीन सी रिसेंटली पास्ट है वो कौन थी क्वीन इलिजाबेथ टू उनके पहले भी एक क्वीन इलिजाबेथ थी तो वो क्वीन इलिजाबेथ वन हो गई और फिर से उन्होंने उनके जो वंशज है उनका नाम इलिजाबेथ ही रखा बस क्या हो गया वो इलिजाबेथ टू हो गई ओके okay, तो ये बोल रहे हैं कि किंग वन ऑफ गंगा डायनेस्टी इज ईस्टर्न कोस्ट तो यहाँ पे उन्होंने नियर पूरी ओरिस्सा ये जो संत कोनार टेम्पल बनाया टाइप ऑफ स्कल्परल डेवलपमेंट तो द टेम्पल इज फेमस फॉर जाइजेटिक स्ट्रक्चर एंड लार्जर देन लाइफ साइज स्कल्पचर्स तो ये बोल रहे हैं कि ये जो पीरियड के दौरान क्या हुआ था जो डिफरेंट स्कल्पर uh, है उसकी डेवलपमेंट हुई थी और ये दौरान क्या हुआ था ये जो स्कल्पचर से टेम्पल में कैसे जाइजेंटिक स्कल्पर तो बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स थे लार्जर देन लाइफ साइज के जो है स्कल्पचर्स तब बिल्ड किए गए वन सेकेंड द लार्जर इमेजेस यूजुअली ब्लैक स्टोन है लिटिल बिट ऑफ इफिनिटी विथ लेटर बेंगाल स्टाइल ऑफ पाला पीरियड द मॉडलिंग इज टाइट स्म दर्क आर रॉबर्स एंड लूज प्लास्टिसिटी तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्कल्पचर है इसका क्या है मॉडलिंग जो है एकदम टाइट ए फेस है ब्रॉड फेज दिया गया है और उसकी प्लास्टिसिटी मतलब उसकी जो सॉफ्टनेस है वो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है द स्कल्प्चर

प्रेजेंट अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी इन द टेम्परेचर तो इसमें क्या है एक लार्ज सन इमेज है और ये फीमेल म्यूजिशियन फिगर क्या करता है क्वालिटी ही डिफरेंट दे देता है टेम्पल की एक फीलिंग ही अलग दे देता दे है दिस मोर देन लाइफ साइज फीमेल म्यूजिशियन इज वन ऑफ

फेस लुक्स वेरी नाइस ओके सो मीन्स यहाँ पे वो ही इलाबरेट करके बताया जा रहा है उसे कि कैसे वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्ले कर रही है आई एम स्टार्टिंग द मीटिंग अगेन